आज भागवत कथा का सप्तमा दिवस है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन आज तेरा सातवां दिवस है, आखिरी दिन है और आज का तुझे श्राप है कि सात दिन में तक्षक नाग दसेगा, वो दिन आज तेरे निकट है, करीब है। क्या तुझे डर सता रहा है? माया में मन जा रहा है कि मृत्यु के भय से तू घबरा रहा है? सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर नहीं तो मुझे भ्रम है, नहीं भय है और नहीं मृत्यु का डर है। बोले, मृत्यु से सब डरते हैं, तुझे डर क्यों नहीं है? मुझे डर इसलिए नहीं है गुरुवर, आप जैसा समर्थ मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे ब्रह्म और भय किस बात का? मैंने पक्का कर लिया है सात दिन तक कथा सुन करके कि यमराज नहीं आएगा, आएगा तो भगवान का दूत ही आएगा लेने के लिए। गुरुवर मुझे मृत्यु से अब डर नहीं रहा। बोले, भगवान से मिलान गुरुवर ने राजा परीक्षित को परमात्मा से मिलान की कथा सुनाई। राजन अंत समय जो परमात्मा से मिलने की कथा सुनते हैं, परमात्मा उससे वैसे ही मित्रता करते हैं। मिलने भगवान से सब जाते हैं, मंदिर में धोख देने जाते हैं, कथा सुनने आते हैं, लेकिन ब्रह्म से मिलन आत्मा का जब होता है तब उसे मिलन कहा जाता है। आत्मा से मिलते हो तो परमात्मा तक का मामला उठता है, लेकिन शरीर से परमात्मा का मामला नहीं उठेगा। यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन उज्जैन अवंतिकापुरी में सांदीपनी आश्रम पर भगवान कृष्ण और सुदामा ने विद्या अध्ययन किया है, यही विद्या पढ़ी है। देखो, द्वारकाधीश ने मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले, द्वारका में राज्य किया और विद्या कहां पढ़ी? उज्जैन में आकर के। सांदीपनी आश्रम आज भी है। कृष्ण सुदामा ने दोनों एक ही गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया। एक समय क्या हुआ, ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम, गुरु पत्नी ने अनायास कह दिया कि आज ठंड का मौसम है, लकड़ी लेने कौन विद्यार्थी जाएंगे? सभी ने खड़ा हाथ कर दिया। कृष्ण सुदामा ने सबके पहले खड़ा हाथ किया, बोले हम दोनों जाएंगे। बोले जाओ, पर तुम दोनों को अगर रास्ते में भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे? तो गुरु पत्नी ने एक एक मुट्ठी चना दोनों को दिया और कहा कि भूख लगे तो एक मुट्ठी चना तू खा लेना और तुझे भूख लगे तो एक मुट्ठी चना तुम खा लेना। दोनों को एक एक मुट्ठी चना दिया। लकड़ी लेने गए, लकड़ी को जंगल में गए तो सुदामा ने कृष्ण से कहा कि भैया ऊपर कौन चढ़ेगा, वृक्ष पर लकड़ी को कौन काटेगा? सुदामा ने कहा लकड़ी को कृष्ण तुम काटना और मैं नीचे से इकट्ठी करूंगा। बोले ऐसा क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम लकड़ी काट सकते हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं लकड़ी इकट्ठी कर सकता हूं। कृष्ण भगवान ने लकड़ी काटी, सुदामा ने इकट्ठी करी। रात का समय हो गया, कृष्ण ने कहा
कि सुबह चलेंगे आश्रम पर, अब रात में भी चलकर क्या करें, यहीं सो जाएं। बोले यहीं सो जाओ। वहीं सो गए दोनों। रात में सुदामा को ठंड लगी। सोचा सुदामा ने कि गुरु पत्नी ने चना दिया था, वो मेरे हक का चना मैं खा लूं। एक मुट्ठी तो सुदामा चना खा गया, दूसरे जब भूख बढ़ी तो दूसरी मुट्ठी भी खा गया। कृष्ण के हक का चना भी सुदामा खा गया। सुबह हुआ, कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया भूख लग रही है, तो गुरु पत्नी ने चना दिया था वो कहाँ है? बोले भैया वो तो मैं खा गया। तो बोले तेरा खाया, मेरी मेरा कहाँ है? बोले वो भी मैं खा गया, तेरा भी खा गया। तो फिर कहा, वहीं से बात चली आती है और बात भी सत्य है कि मित्र से द्रोह, गुरु की चोरी, या हो निर्धन या होवे खोरी। अपने मित्र से मित्र बनाओ मत, दोस्त बनाओ मत। अगर धोखा करोगे और गुरु की चोरी, जिस गुरु की, गुरु से विद्या प्राप्त करते हो उसी गुरु की चोरी करोगे, तो या तो निर्धन बनोगे या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। उसी दिन से सुदामा निर्धन हुआ। फिर लकड़ी लेकर के भी आए, श्राप हो गया सुदामा को। गुरु के आश्रम पर कुछ दिन रहे। अब वो तो देखो ब्रह्म है, उनको कौन पढ़ाए और कौन नहीं पढ़ाए। लेकिन कि अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, राम सिया राम सिया राम, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, कल्प काल सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या समाई। थोड़े समय में भगवान को विद्या प्राप्त हो गई, क्योंकि वो ब्रह्म है। यहां अपन ये विचार करें कि ब्रह्म को कौन पढ़ा सकता है? जो दुनिया को पढ़ावे उन्हें कौन पढ़ा सकते हैं? और गुरु अगर ऐसा समर्थ है कि जो भगवान को भी पढ़ा दे, तो उन्हीं गुरु का बेटा जल में मरा है, उसको जिंदा क्यों नहीं कर ले? उन्हीं गुरु का बेटा जल में मरा है, तो गुरु अपनी विद्या के बल से अपने बेटे को जीवित क्यों नहीं कर ले, अगर भगवान को पढ़ा दे तो? लेकिन गुरु और गोविंद दोनों चमत्कार के पक्ष में नहीं होते। भगवान भी कभी चमत्कार नहीं करते हैं, और गुरु भी कभी चमत्कार नहीं करते। ये चमत्कार करने वाले वो ही लोग हैं जो चमत्कार करते हैं और जनता को कुछ दिन तक खींचते हैं, फिर उनकी चमत्कारी बिगड़ जाती है। क्योंकि नकली खेल इस संसार में चलता ही नहीं है। चलता तो है पर कुछ दिन, ज्यादा नहीं चलता है। रावण की भी बहुत चली, इतनी चली कि जो चाया रावण ने वही किया, पर कुछ ही दिन किया, फिर वापस उसे मरना पड़ा।
चमत्कार नहीं चलता है, तो गुरु गोविंद दोनों चमत्कार नहीं है। यहां लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, बाकी वो एक नरक का रास्ता है। चमत्कार एक नरक का रास्ता है। भगवान ने कहां चमत्कार किया, गुरु ने कहां चमत्कार किया, कहीं चमत्कार नहीं किया। अब गुरु अपन किनको माने, अपन तो जो भगवा पहन ले उनको गुरु माने, कि जिसने गुरु मंत्र दिया उनको गुरु माने, कि जो कथा सुनाते हैं उनको गुरु माने, कि प्रथम गुरु तो फिर माता पिता है ही, ये तो प्रथम गुरु है। पर जो संस्कारित गुरु होता है, जो ज्ञान देता है, वो गुरु कैसा होना चाहिए। अब गुरु का मतलब, गुरु क्या करते हैं, गुरु प्रकाश करते हैं। अंदर अंधकार है अपने अंदर, इस अंधकार को जगाता है। तेरे अंदर पाप है, इस पाप को काटते हैं गुरु। तो प्रकाश तो सब करते हैं, गुरु किनको मानो। लालटेन भी प्रकाश करेगी, करेगी ना, दीपक भी प्रकाश करेगा। और एक वो होती है टार्च, टार्च वो भी प्रकाश करती है। अब ये भी प्रकाश करता है, ये भी प्रकाश करते हैं, ये भी प्रकाश करते हैं, तो फिर गुरु किनको मानो बताओ। और गुरु भी प्रकाश करते हैं। अरे कथा उलझन भरी कथा है ना। गुरु तो प्रकाश करते हैं, ये तो कह दिया कि अंधकार को मिटा देते हैं गुरु, पर किनको मानो। दीपक भी प्रकाश करता है, लालटेन भी प्रकाश करती है, बल्ब भी प्रकाश करता है, टार्च भी प्रकाश करती है, कि कौन गुरु है इनमें से। जो संसार को दिखाए वो गुरु नहीं है, जो गोविंद को दिखा दे वह गुरु है। जो दुनिया की चर्चा करे वो गुरु नहीं है, जो गोविंद की चर्चा करे वह गुरु है। एक की चर्चा करे, संसार की नहीं करे, वही गुरु है। टार्च में और दीपक में और बल्ब में आप अंतर देखो। बल्ब जलेगा तो इस साउंड भी दिखाएगा, जनता भी दिखाएगा, प्रकाश है ना, वो तो बड़ा प्रकाश है। कपड़े भी दिखाएगा, पूरे घर दिखाएगा, मकान दिखाएगा। जब दीपक जलाओगे तो उनका भी प्रकाश फैलेगा, लालटेन जलाओगे तो प्रकाश फैलेगा, वो भी सब चीजों को दिखाएगी। लेकिन टार्च का एक लक्ष्य होता है कि तू जिधर लगा दे मैं एक ही चीज को दिखाऊंगी। तू चाहे कि मैं पूरे संसार को देख लूं, पूरे पांडाल को देख लूं, एक काम मेरा नहीं है भैया, एक को दिखाती हूं। तू जिसको देखना चाहता है उसे देख ले। कपड़ा देखना चाहता है या किसी इंसान को देखना चाहता है, मैं उसी को दिखाऊंगी। अब तू चाहे कि पूरे पांडाल को दिखा दे तो ये मेरा काम नहीं है। तो गुरु टार्च की तरह है। गुरु ने कह दिया कि गोविंद की, भगवान की चर्चा करो तो मेरे पास में आओ, संसार की चर्चा करो तो और के ही गुरु मिल जाएगा, दीपक जैसा, बल्ब जैसा, जो तुम्हारी दुकान के बारे में कह देगा, तुम्हारे मकान के बारे में कह देगा, तुम्हारा घर ने कई उलझा निकाल देगा, तुम्हारे तुम्हें सट्टा का अंक बता देगा। वहां तक का गुरु मिलेगा तुम्हें, प्रकाश करने वाला। वहां जाइए, मैं एक की बात करता हूं। जो एक की बात करे तो गुरु, और ना व्यास पीठ संसार की चर्चा करने वाले को गुरु स्वीकार नहीं करती। तेरी नौकरी लगा दूंगा, तेरा मकान बना दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तुझे वो बना दूंगा, तुझे अफसर बना दूंगा, ये काम करते हैं, उन्हें गुरु स्वीकार नहीं किया है व्यास मंच ने, सुखदेव ने। यहां गोविंद की चर्चा क्या कहा सुखदेव मुनि ने,
कि ऐसा समृद्ध गुरु के सानिध्य में बैठे हो तो फिर गोविंद की चर्चा ही होनी चाहिए, संसार की चर्चा नहीं। कि मारो एक गुरु मिला अविनाशी रे मारा मेला रि बात हमारा गुरु मिला अविनाशी।